आखिर कारक कहते किसे। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज के सेगमेंट हिंदी ग्रामर व्याकरण सीखे में आपका स्वागत है। माँ ने बेटे को हाथों से खाना खिलाया, तो इस वाक्य में जो ने को से ये जो ये सभी कारक यानी कि करने वाला या फिर जो कार्य किया जा रहा किसके लिए किया जा रहा या किसकी सहायता से किया जा रहा है, तो जो कुछ भी होता है हम इन शब्दों का प्रयोग कर हम कारक लेते हैं। अब यहां पर कुछ कारक दिए हम लोग, बचपन से हमें एक ट्रिक सिखाई जाती कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आदि से। ये पूरा एक चार्ट है, आप इसको पढ़ें, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा कारक कहां प्रयोग होता है। जैसे कि ने, तो ने कर्ता कारक है, क्योंकि जैसे कि राम ने, माँ ने, कर्म को, तो ये कर्म कारक। जैसे राम को खाना खिलाया तो राम को खाना खिलाया गया। करण से द्वारा, जैसे हाथों से, संप्रदान के लिए मेरे लिए किताब लाए। अपादान, अपादान का मतलब ही होता है कहीं से कहीं चला जाना, किसी चीज से किसी चीज का दूर हो जाना, जैसे फल पेड़ से गिरे, अपादन। संबंध काकी के रे, राम की किताब। अधिकरण, अधिकरण माने अधिकार, जैसे कि किताब मेज पर है, किताब का अधिकार हो गया। तो अधिकरण में पर, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर, जैसे किताब बॉक्स में, बैग में है, या किताब मेज पर। और संबोधन, तो संबोधन है हे अरे आदि। तो ये जो शब्द कारक